हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। बिजनौर धामपुर में शनिवार को नगर के खारी कुआं पर एक बाइक सवार मुस्लिम परिवार को रोककर उन पर जबरन रंग डालने व रंग डालने के एवज में महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को नामजद तथा 4-5 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य 4 अभियुक्तों को पूछताछ के दौरान नामजद आरोपी के निशानदेही पर दबोचकर जेल भेज दिया। एक मुस्लिम परिवार 23 मार्च को दवाई लेने के लिए धामपुर आया हुआ था। बाइक पर एक युवक सहित 2 मुस्लिम महिला सवार थी। परिवार मुख्य बाजार से होकर खारी कुआं होता हुआ मोहल्ला पक्का बाग की तरफ जा रहा था। इस दौरान खारी कुआं पर आधा दर्जन से ज्यादा हुरियारों ने बाइक सवार परिवार को जबरन रोक लिया। हुरियारों ने पीड़ित परिवार को रोककर रंग लगाया। रंग लगाने के बावजूद दोनों महिलाओं से सहित युवक को काफी देर तक प्रताड़ित किया गया। हुरियारों की इस हरकत की वीडियो वायरल हो गई। एसपी नीरज कुमार जादौन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक किशन अवतार को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले में वायरल वीडियो व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपी हुरियारों की शिनाख्त की। पुलिस की जांच में 4 युवक पीड़ित परिवारों को रंग डालते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस में मामले में 3 नाबालिग सहित 1 युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हुरियारों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर आरोपी युवक अनिरुद्ध उर्फ अन्नू पुत्र शिशुपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित दिलशाद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम जमालपुर आलम थाना धामपुर की तहरीर पर आरोपित युवकों का विभिन्न संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चलान कर दिया। एसपी नीरज जादौन ने धामपुर पुलिस को दिए निर्देश। वायरल वीडियो प्रकरण में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन स्वयं धामपुर कोतवाली पहुंचे और एसपी पूर्वी धर्म सिंह माछल व सीओ सर्वम सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों से जानकारी प्राप्त की और धामपुर में होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।